أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت فضل کرم والا ہے بڑی بزرگی والا ہے رحیم ہے کریم ہے پاک ذات ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ سب کو अपने YouTube चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें और अल्लाह पाक आप सबके बच्चों को नेक और साले बनाए। अल्लाह पाक आप सबको हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सूद जैसी लानत से हमारी जान छुड़ाए। अल्लाह पाक आपको सदका देने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी माँ और बहनों और भाइयों, आज मैं आप वीडियो लेकर आई हूँ वो वालदैन मगफरत की दुआएं हैं। मैं आपको दुआएं बताऊंगी जिनको पढ़ने से आपके माँ बाप की आपके वालदैन की मगफरत होगी। ये दुआएं पढ़ने का एहतमाम कीजिए, इन दुआओं को ज़बानी याद कीजिए और अपने वालदैन की मगफरत करवाइए। ये कुरानी दुआएं हैं, इनको पढ़ने का अपने घर में मामूल ज़रूर बनाइएगा। माँ बाप जैसी हस्ती कोई नहीं है, माँ बाप ही अपने बच्चों का ख्याल करते हैं और माँ बाप ही अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करते हैं और माँ बाप ही आप सबकी जन्नत में जाने का ज़रिया हैं। इसलिए आप अपने माँ बाप की मगफरत के लिए दुआ करें। हमारा तो मुसलमान होने के नाते फ़र्ज़ है, जब माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनके लिए तब भी दुआ करें, उनका ख्याल करें, उनकी खिदमत करें। और अगर वालदैन वफात पा चुके हैं तो उनकी कब्रों पर जाकर वफात पा चुके हैं तो उनके लिए उनकी मगफरत की दुआ करें। जो औलाद होती है, जो बच्चे होते हैं, वो सदका जारिया होते हैं। माँ बाप के वफात पाने के बाद बच्चे उनके लिए दुआ करते हैं। चले आइए मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको दुआएं बताती हूँ। आपने इन दुआओं को याद करना है और रोज़ाना की बुनियाद पर आपने इनको पढ़ना है। नंबर एक दुआ, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। दोबारा पढ़ते हैं, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। तर्जुमा, ऐ मेरे परवरदिगार इन दोनों के हाल पर रहमत फरमा, जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में शफकत से पाला था। नंबर दो दुआ, रब्बी गफिरली वाली वाली देया वालिल मुमिनीना योम यकुमुल हिसाब। दोबारा पढ़ते हैं, रब्बी गफिरली वाली वाली देया वालिल मुमिनीना योम यकुमुल हिसाब। तर्जुमा, ऐ हमारे रब, मुझे और मेरे माँ बाप को और कुल मोमिनीन को हिसाब कायम होने के दिन बख्श दे। उम्मीद करूंगी कि आप इन दुआओं के शॉट ले लेंगे और आप इनको ज़बानी याद कर लेंगे। थोड़े दिन आप इन दुआओं को दोहराएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़बानी याद हो जाएंगी। आपने इनको अपने घर में मामूल बना लेना है, किसी टाइम भी आपने इन दुआओं को पढ़ना है। इन दुआओं को पढ़ने से आपके वालदैन की मगफरत होगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर इस वीडियो में इसको पढ़ने में मेरे से कोई ज़बर ज़ेर की गलती हो गई हो तो अल्लाह पाक भी मुझे माफ़ फरमाए। चले आइए मिलते हैं मेरे प्यारे नाज़रीन नई वीडियो में, नए अमल में, नई दुआओं में। मैं आप सब के लिए दुआ करूँगी, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को जो भी सुनेगा, जो भी देखेगा, अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। इन दुआओं को जो भी पढ़ेगा, जो भी सुनेगा, उसका अजर स्वाब आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए, वज़ाइफ करने के लिए, अमल करने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।